चलो भाई साहब, फाइनली फॉर्चूनर को मैंने, मिनी फॉर्चूनर को भाई रिपेयर करवा दिया है। अगर आप लोगों ने पिछली बार वाला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा भाई, सिंचन ने इस पर डेंट दिलवा दिया था। पीछे कुछ भाई साहब भाई स्क्रेच वगैरह आ गए थे और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा इसमें दिक्कतें आने लगी थी। तो मैंने भाई इसको जाके बेनी के गैराज में इसको रिपेयर करा दिया है बढ़िया तरीके से। और भाई अबे ये क्या है भाई, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है भाई, ये क्या कर रहा है वैसे भाई? इसकी कार में से भाई धुएं निकल रहे हैं। अबे ये कैसा बंदा है यार भाई, इसने भाई पूरा मास्क वास लगाया और भाई लगता है कोई आर्मी वार्मी का लग रहा है, मतलब अजीब टाइप का लग रहा है। वैसे गाइस यार यहाँ पे आप लोग देखो, ये वाली जो फॉर्च्यूनर है भाई बहुत ही तगड़ी वाली है। इसको मैंने भाई साहब अभी हाल में ही भाई साहब ख़रीदा था, अगर आप लोगों ने एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा। तो चलो भाई साहब इस बंदे से पूछ लेते हैं भाई, हम लोगों के घर के सामने आया है तो भाई अतिथि की तरह है ना, अतिथि देवो भव होता ही है। तो चलो भाई इससे बात कर लेते हैं, कोई हेल्प वेल्प चाहिए होगी तो मैं इसकी हेल्प कर दूंगा। वैसे हेलो भाई साहब, आपकी लगता है कार ख़राब हो गई है, आपको कोई हेल्प चाहिए क्या मेरे से? मेरा घर सामने ही है, आप मेरे को बताओ। अरे नहीं नहीं, मेरे को कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे एक बंदे के लिए वेट कर रहा हूँ, मैंने कॉल किया है, मैकेनिक आता ही होगा। अबे क्या बात कर रहे हो, आपने मैकेनिक बुला लिया है? कोई दिक्कत नहीं है वैसे भाई, आपकी कार तो सही है बट यार इसमें से धुएं निकल रहे हैं, लगता है पानी वानी आप डालोगे ना तो सही हो जाएगी। बता दो, मैं आपकी हेल्प कर लेता हूँ, मैं थोड़ी मोड़ी काम कर लेता हूँ वैसे गाड़ियों की। अरे अरे ज़्यादा बकैती मत करो, मैंने बोला ना मैंने मैकेनिक बुलाया है, तुम जाओ यहाँ से जल्दी से जल्दी। अबे भाई ऐसे क्यों बात कर रहा है, जाओ भाई मदद नहीं लेना है तो यहाँ से पहली फुर्सत में निकलो। वैसे भी मेरा घर सामने था और भाई साहब मैंने इसको बोला कि मैं हेल्प ही कर देता हूँ, वैसे भाई ये हेल्प लेने के लिए भाई राजी ही नहीं है। गाइस यार मैं तो इसकी हेल्प करना चाह रहा था लेकिन भाई ये मदद लेने के लिए रेडी नहीं है, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। वैसे गाइस यार आ चुकी है बनके भाई साहब अपनी फॉर्च्यूनर, भाई मिनी फॉर्च्यूनर। अभी मैं आपको तीन कार और दिखाता हूँ, पहले सिंचन को बुला लेता हूँ। सिंच अबे आ ही गया। अरे थैंक यू भैया, आपने रिपेयर करवा दी। अबे यार तेरे चलते वो खराब हुई थी, अब भाई रिपेयर तो करानी बनती है ना भाई। अरे यार सॉरी फ्रेंकी भैया, यार मेरे से हो गई थी गलती से। अबे गलती से ही तू करता है, वैसे भाई रिपेयर हो गई है, अब फटाफट से इसको नीचे उतारते हैं। अरे फ्रेंकी भैया वो सामने क्या हो रहा है? अबे ये भाई इसकी कार खराब हो गई है और मैंने इससे बोला ना कि भाई तेरी हेल्प कर देता हूँ, लेकिन ये हेल्प का नाम ही नहीं ले रहा है। वो बोल रहा है कि मैंने मैकेनिक वगैरह बुलाया है, मैं उससे रिपेयर कराऊंगा। अरे जाने दो, ज्यादा भाव खा रहा है क्या वो? अबे हाँ यार ज्यादा भाव खा रहा है, छोड़ वो सब, हम लोगों की अपनी ये कार है, इसको फटाफट से वहीं पे पार्क कर देते हैं जहाँ पे गाइस पार्क करना है ना। अरे हाँ हाँ पार्क कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अबे ठीक है रुक जा भाई, पहले ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं अपनी महिंद्रा की, नहीं महिंद्रा की नहीं है ये, टोयोटा फॉर्च्यूनर है भाई, इसमें कहाँ जा रहा हूँ भाई, सेटिंग्स में ब्लूटूथ होता है ना। चल सिंचन कनेक्ट हो गई। अरे यार नीचे उतारो। अबे हाँ यार इसको नीचे उतारता हूँ, अब सही चल रही है ना। अरे यार आराम से चलाओ फ्रेंकी भैया, फिर से डेंट मत आ जाए। अबे यार अब नहीं आएगी, वैसे पिछली बार तेरे कारण हुआ था। अरे यार सही तो चल रही है ना अब? अबे हाँ यार एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है, देख कितनी स्मूथ चल रही है। और ये बंदा पता नहीं मेरे पे गुस्सा कर रहा है, पता नहीं क्यों। अरे जाने दो, छोड़ो उसकी बात, चलो इसको पार्क कर दो नीचे। अबे हाँ यार इसको भाई आराम से पार्क करेंगे, पिछली बार ये फंस गया था। ये थोड़ी सी बड़ी फॉर्च्यूनर है, मतलब कि सबसे मिनी में जो जितने भी मिनी कार है ना अपन लोगों के पास, तो सबसे बड़ी गाइस यार यही वाली है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत कर देती है, क्योंकि गाइस यार आपको पता ही है फॉर्च्यूनर थोड़ी बड़ी होती है ना सिंचन। अरे हाँ आराम से आराम से। अबे हाँ यार आराम से। तो गाइस यार ये देखो भाई, हम लोगों ने मिनी कार का खजाना बना रहे, यहाँ पे आप लोग देखो भाई कितनी तगड़ी तगड़ी वाली कार आ गई है। बट यार इसको इधर ही रख देते हैं, अभी भाई डेंट वेंट आई थी तो मैंने पेंट वेंट कराया था, सूख जाएगी तो यहाँ पे रखते हैं। देख डोर वगैरह मैंने ओपन कर दिया, कैसी लग रही है? अरे यार मस्त लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। चल भाई नीचे मैंने लग दिया है, पता नहीं ये बंदा क्या कर रहा है, मेरे को तो डर लग रहा है भाई, ये अजीब सा लग रहा है बंदा। अरे मेरे को भी लग रहा है। अबे वही तो भाई, वो वहाँ पे खड़ा है मास्क वास्क पहन के, मेरे को तो डर लग रहा है भाई। चल कोई बात नहीं भाई, गाड़ी वाड़ी लॉक कर दिया मैंने, चल चलते हैं फटाफट से। तो गाइस यार चलो मैं आप लोगों को और भी कार दिखा देता हूँ। वैसे ये मिनी फॉर्च्यूनर अभी अभी पेंट होके आई है, अगर आप लोगों ने पिछली बार वाला एपिसोड देखा होगा तो पीछे का पूरा एरिया खराब कर दिया था सिंचन ने। अरे यार गलती से हो गया था ना? अबे यार वही गलती से ही हो गया था तेरे से। वैसे गाइस यार ये देखो बोलेरो भाई सबसे प्यारी लगती है, रेड कलर की बोलेरो भाई, देख रहे हो कितनी ज्यादा जबरदस्त है। और मैंने यहाँ पे फ्रैंकलिन नाम लिखवा लिया है, और ये हमारी महिंद्रा थार, महिंद्रा की स्कॉर्पियो, महिंद्रा की बोलेरो और महिंद्रा की गाइस यार ये देख सकते हो अपनी, नहीं महिंद्रा की नहीं है ये,
अरे ये टोयोटा फॉर्च्यूनर लीजेंडर है। अबे वही है। तो गाइस यार चलो चलते हैं। एंड गाइस यार आप लोगों ने कुछ बोला था यार पिछली बार वाले एपिसोड में। अरे यार हम लोगों ने बोला था ना। अबे हाँ यार हम लोगों ने बोला था कि अगर आप 501 लाइक कर दोगे तो गाइस यार हम लोग भाई एक और नई वाली तगड़ी वाली वीडियो लाएंगे मिनी की। तो भाई आप लोगों ने भाई 1000 से भी ज्यादा लाइक कर दिए। अरे यार तो तगड़ा वाला लाना चाहिए मिनी कार। अबे हाँ यार अब तो तगड़ा वाला मिनी कार लाना ही चाहिए। वैसे गाइस यार मेरे पास एक दिमाग आया है भाई मिनी। भाई देखो यार महिंद्रा की हो गई, टोयोटा की हो गई, अब भाई मेरे को टाटा की कार कोई चाहिए। अरे यार सबसे पहले हम लोग सुजुकी की लाते हैं। अबे हाँ यार सुजुकी भी तो कभी तगड़ी तगड़ी कार बनाता है यार वैसे। अरे यार हम लोग सुजुकी स्विफ्ट लाते हैं। अबे यार ये तो तगड़ा वाला काम कर दिया तूने वैसे। अरे हाँ हाँ तगड़ा वाला है ना। अबे हाँ यार लेकिन ये चौप किधर है यार, ये कार की देखभाल कर लेता वैसे। चल कोई बात नहीं हम लोग भाई कोई आइडिया लगाते हैं। वैसे मैं भाई सब लेस्टर को बोल देता हूँ कि अगर शहर में कोई सुजुकी स्विफ्ट कार दिखे तो वो मेरे को बोल देगा ठीक है। ऐसे मेरे को पता नहीं है कि कहाँ पे है ठीक है। रुक जा मैं लेस्टर को कॉल करके बोल देता हूँ कि वो कहाँ पे भाई सब कहाँ पे लेस्टर का है। लेस्टर 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 ये रहा भाई लेस्टर। तो मैंने इसको कॉल लगा के भाई बात कर लेता हूँ कि सुजुकी स्विफ्ट किसी के पास है तो मेरे को बता दे। A few moments later. चलो गाइस यार अभी बात हो गई है लेस्टर से। उसने बोला है कि भाई मेरे को पता है हम लोगों को दोबारा से भाई सुजुकी स्विफ्ट चोरी करनी पड़ेगी। अरे यार किसके पास है? अबे यार उसने एक लोकेशन भेजा है। वैसे अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी भाई 11 बज रहे हैं ना, तो एक काम करते हैं कुछ देर बाद जाएंगे शाम के टाइम में। अरे हाँ तो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अबे ठीक है तो मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ ना तक थक गया हूँ। तू एक काम कर सिंचर ये सारी कार है ना इसकी देखभाल करते रहना। मेरे को भाई आगे बंदा जो खड़ा है ना उस पे कुछ शक हो रहा है, डाउट हो रहा है। अरे ठीक है आप जाके आराम करो। अबे ठीक है यार मैं जाके आराम करता हूँ। तो चलो गाइस यार फटाफट से मैं आराम कर लेता हूँ क्योंकि थक गया हूँ। अभी भाई बेनी के गैराज से आ रहा हूँ, उसको भाई फॉर्च्यूनर को भाई सर्विसिंग करा के। तो मैं भाई पहले तो आराम करूंगा, तब तक आपने हमारे वीडियो को लाइक कर देना है। जा सिंचन जल्दी जा वहाँ पे खड़ा हो जा तू। अरे यार फ्रैंकी भैया तो आराम करने लगे। चलो कोई बात नहीं यार मैं कार की देखभाल कर लेता हूँ ऐसे। चलो चलो फटाफट से चलता हूँ यार। पता नहीं यहाँ पे इतनी सारी कार से कितनी प्यारी प्यारी है। ये महिंद्रा की स्कॉर्पियो, महिंद्रा की बुलेरो, महिंद्रा की थार और ये सबसे प्यारी जो कि मैंने पिछली बार वाला एपिसोड में इसको थोड़ा सा खराब कर दिया था, ये टोयोटा फॉर्च्यूनर है यार। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कितनी प्यारी है ना ये सारी कार। अरे यार वो बाहर एक बंदा खड़ा था, उसको जाके देख लेता हूँ, पता नहीं क्या हो गया होगा उसको। यार उसकी कार शायद खराब हो गई थी ना। चलो चलते हैं देखते हैं। अरे वो तो यहाँ पे नहीं है, कहाँ चला गया? अरे पता नहीं यार मेरे को भी शक हो रहा था कि वो बहुत ज्यादा कुछ करने वाला है, उसके मास्क वास्क देख के और इसकी कार भी खराब हुई थी। चलो फाइनली चल गया, वरना मेरे को डर लग रहा था कि वो हमारे घर में आके कार वार मत चोरी कर ले। चलो यार फ्रैंकी भैया भी सो रहे हैं, मैं भी जाके थोड़ा आराम कर लूँ क्या? अरे यार छोड़ आराम नहीं करता हूँ, फ्रैंकी भैया ने मेरे को एक काम दिया है वो कर लेता हूँ। फटाफट से सारी कार्स को देखता हूँ क्योंकि फ्रैंकी भैया ने मेरे को बोला है ना ये सारी कार्स की देखभाल करने के लिए। चलो चलो मैं इधर ही रहता हूँ और उनकी सब कार की देखभाल करूँगा, मतलब देखूँगा ये सारी कार्स। अरे यार चलो चलो सही मौका है फ्रैंकलिन के घर में जाके उसकी सारी मिनी कार चुराने की। अभी मैं एक काम करता हूँ, अपने सारे दोस्तों को भी बुला लेता हूँ, यानी कि मेरी जो गैंग है ना उनको भी बुला लेता हूँ। आज हम लोग सारे कार्स को चोरी कर लेंगे। मैंने सुना है फ्रैंकलिन ने 4 कार बनाई है ना, सबको चोरी कर लेंगे भाई। चलो चलो पहले जाके थोड़ा देख लेता हूँ, नीचे कोई है नहीं ना? भाई साहब मेरे को डर लग रहा है, अभी फ्रैंकलिन घर में ही गया है। अरे अरे यार यहाँ पे तो एक छोटा बच्चा है, क्या करूँ इसकी? यार इसको वाट लगा डालू? रुको रुको मैं इसको अभी वाट लगा डालता हूँ। ये लो भैया ख़त्म, अभी इसको मैंने बेहोश कर दिया है। अबे भाई साहब यहाँ पे तो काफ़ी सारे कार्स है। अरे यार ये देखो, ये महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा थार, महिंद्रा बोलेरो, टोयोटा फॉर्च्यूनर। अरे इन सब कार को तो मैं चुरा लूँगा लेकिन अकेले नहीं ले जाऊँगा, पहले देख लेता हूँ फ्रैंकलिन क्या कर रहा है यार, वरना उसको भी बेहोश करना पड़ेगा। अरे यार ये क्या, फ्रैंकलिन तो पहले से ही सो रहा है। चलो यार मेरा काम आसान हो गया है, अभी फ्रैंकलिन तो जाग नहीं रहा है, इसके घर में एक डॉग भी है,
यार वो पता नहीं डॉग किधर चला गया। चलो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, इस बच्चे को तो मैंने बेहोश कर ही दिया है, अभी फटाफट से अपने सारे बंदों को बुला लेता हूँ और भाई साहब फ्रैंकलिन को भी मार दूंगा और सारे कार लेके चला जाऊंगा। रुको रुको, अपने दोस्तों को यानी कि अपने गैंग को फटाफट से कॉल कर बुला लेता हूँ फटाफट से। चलो भाई साहब, नींद तो पूरी हो गई, अब आप लोगों के जो डिमांड थी ना भाई एक नई वाली कार को मिनी बनाने के लिए, तो आज हम लोग स्विफ्ट कार बनाएंगे जो कि लेस्टर ने मेरे को भाई साहब बता दिया। चलो यार सिंचन को देख लेते हैं वैसे क्या कर रहा। अबे ये कौन है, अबे ये सारे कौन लोग आ गए भाई, अबे पता नहीं वहां पे खड़े हैं, मेरे को आगे से जाके देखना पड़ेगा। भाई साहब ये मेरे घर में कौन आ गया वैसे। गाइस यार मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहां से मैं देख सकता हूँ। अबे यार ये तो वही सारे लोग हैं भाई, वही बंदा है जो सामने खड़ा था, लेकिन इतने सारे लोग कैसे आ गए भाई, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है। वैसे भाई इनके हाथ में गन वन भी है, यार मेरे को डर लग रहा है वैसे भाई इन लोगों ने भाई क्या किया। मैं भी हाथ में गन ले लेता हूँ। वैसे गाइस यार मेरे को तो पहले से ही भाई इन पे शक हो रहा था इस पे, ये बंदा कुछ करेगा। ओ भाई इन लोगों ने सिंचन को बेहोश करके रखा है। अबे भाई ये क्या हो गया, मेरे को भाई इनको मारना पड़ेगा। अबे ये लोग तो फायरिंग कर रहे हैं यार। अबे ये बंदा ऊपर आ रहा है। अबे भाई साहब इसको खत्म करना पड़ेगा। अबे यार ये लोग तो काफी ज्यादा भाई है। अरे यार कितने सारे हैं, रुको सबको उड़ाएंगे। भाई 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 सिंचन जल्दी उठ जाए। भाई सिंचन बेहोश कर दिया, ये देखो सिंचन को इन लोगों ने बेहोश कर दिया। वैसे गाइस सब मारेगा ना, सब मारेगा ना भाई, मेरे को डर लग रहा है भाई, काफी ज्यादा डर लग रहा है कि भाई साहब ये देखो भाई ये अभी जिंदा है शायद। भाई इससे बात करता हूँ, ये लोग मेरे घर में क्यों आए थे। अबे यार जल्दी उठ भाई, इसको भी खत्म कर दिया। गाइस यार वैसे ये लोग मेरे घर के अंदर क्यों आए थे। अबे चौप तूने देखा नहीं क्या यार, तू कहाँ पे था यार, इतने सारे लोग और सिंचन को इन लोगों ने भाई साहब बेहोश कर दिया है। भाई तू कहाँ पे था यार। अरे यार मैंने कुछ देखा ही नहीं, मैं तो अभी आ रहा हूँ आपके पीछे पीछे फ्रैंकलिन भैया। अबे तू कब से भैया बोलने लगा, वैसे कलुआ बोल रहा था, वो सब छोड़। लेकिन ये लोग भाई मेरे घर में क्यों आए थे और इन लोगों के पास भाई साहब ये भाई मेरे को कुछ शक हो रहा था, क्योंकि भाई वो उसकी कार खराब नहीं थी और मेरे से हेल्प भी नहीं ले रहा था। वैसे सिंचन जल्दी उठ यार। अबे यार सिंचन जल्दी उठ भाई, सिंचन क्यों नहीं उठ रहा है। चौप यार कुछ करना यार, भाई कुछ कर ले। अरे यार मैं क्या करूं, मेरी तो फट गई है, मेरे को डर लग रहा है फ्रैंकलिन भैया। अबे यार अब भैया बोल रहा है। वैसे गाइस यार मैं भी डर गया हूँ पहले, भाई ये सब क्या हो गया, मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है भाई साहब, पता नहीं ये क्या हो गया, मेरे को भी कुछ समझ। अबे सिंचन तेरे को होश आ गया। अरे यार पता नहीं इन लोगों ने मेरे पे क्यों अटैक किया था, मैं तो आपकी आपके कहने पे कार की देखभाल कर रहा था। अबे वही तो भाई साहब, ये लोग आए क्यों थे मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है। गाइस यार इतनी सारी कार्स यहाँ पे है, लेकिन ये सब महंगी महंगी बिकती है और भाई सबके सब मारे गए। भाई कोई भी होश में नहीं है कि मैं किसी से पूछूं, ये भी मर गया है और वैसे भाई सब मर। अबे ये जिंदा है क्या वैसे, भाई ये तो जिंदा है। अबे भाई अरे मेरे को जाने दो भाई, मेरे को जाने दो। अबे भाई चल चल घुटने पे आ जा, जल्दी घुटने पे आ जा। अरे मैं तुम्हारी कार चोरी करने आया था, ये सारे मेरे लोग ही थे, मैंने जानबूझ के तुम्हारे घर के आगे कार खड़ी की थी जिससे मैं तुमको देख पाऊँ कब आ रहे हो कब जा रहे हो। मेरे को माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो, दोबारा तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा। तुम्हारी कार लग्जरी है ना, मिनी कार, इसलिए हम लोग चोरी करने आए थे, मेरे को माफ कर दो यार। भाई साहब मेरी कार चोरी करने आया था भाई, देख रहा है सिंचन। अरे हाँ यार इन लोगों ने मेरे को बेहोश भी किया था। अबे यार ऐसे कैसे तेरे को माफ कर दूंगा। वैसे ये लोग 1 2 3 4 5 6 लोग आए थे चार कार चोरी करने के लिए, भाई देख रहा है भाई क्या करे इसको। अरे यार इसको खत्म ही कर दो। अबे यार तेरे को इसने बेहोश किया था ना। अरे हाँ। अबे यार तब इसको भी बेहोश करते हैं और बार बार बेहोश करेंगे भाई स्टन गन से। अरे यार ये तो सही बात हो जाएगी। अबे हाँ यार पहले इसको बेहोश करते, ये ले बेटा खत्म। भाई साहब बेहोश ही कर दिया मैंने इसको, ये मरेगा नहीं अभी। अरे सही किया आपने, सही किया। चलो गाइस यार भाई ये तो सही हो गया, बट यार भाई सिंचन को इन लोगों ने बेहोश कर दिया था। एंड गाइस यार इन लोगों ने भाई बहुत ही बुरा किया हम लोगों के साथ ना सिंचन। अरे हाँ यार इनको छोड़ो मत। अबे यार छोड़ यार अभी क्या ही बोलूं, एक काम करता हूँ चौप को ही बोल देता हूँ। ये देखो पूरा घर खून खून हो गया वैसे। भाई चौप इधर आ जा। अरे हाँ कलुआ भैया बोलो बोलो क्या है। अबे भाई हम लोग जा रहे हैं एक कार चोरी करने, सुजुकी स्विफ्ट की लोकेशन मिली है हम लोगों को, सुजुकी स्विफ्ट मिनी बनाया ठीक है। अरे ठीक है कलुआ भैया, मेरे को क्या करना है ये बता दो। अबे यार
एक काम करना, तू घर की साफ सफाई कर देना एंड ये लोगों को बाहर फेंक देना। वैसे अब इनका कोई काम नहीं है, हम लोगों तो इनको ख़त्म ही कर दिया है। और देखते रहना कोई कार को लेने मत आ जाए घर में, ठीक है? अरे ठीक है कलुआ भैया, आप टेंशन ना लो, मैं हूँ तो आपकी सब काम कर दूंगा। अबे ठीक है, चल सिंचन अभी चलते हैं नेक्स्ट वाले मिशन पे, यानी कि कार चोरी करनी है ना। अरे हाँ यार, सुजुकी स्विफ्ट बनानी है। अबे यार पिछली बार तो बोलेरो गोकुलधाम में मिल गई थी, इस बार पता नहीं कहाँ पे मिलेगी। तो चलो गाइस यार चलते हैं फटाफट से, आज हम लोगों को चोरी करनी है एक नई वाली कार यानी कि सुजुकी स्विफ्ट, और स्विफ्ट को बनानी है मिनी स्विफ्ट। आप लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे हो, इसलिए हम लोग ऐसे ऐसे वीडियोस लेके आते रहे। चलो सिंचन चलते हैं। अरे हाँ चलो यार, आज तो बहुत ही बड़ा हादसा टल गया, उन लोगों ने मेरे को बेहोशी किया था, अगर गोली से मार देते तो क्या होता मेरा। अबे ऐसी बात मत कर, मैं हूँ तो भाई तेरे को कुछ नहीं होगा। चल पहले लेस्टर ने जो लोकेशन भेजा है ना वहाँ पे चलते हैं। अरे हाँ चलो चलो चलते हैं फटाफट से। अबे हाँ यार चलते हैं, पता नहीं कहाँ का लोकेशन है। वैसे मैं लोकेशन ऑन करके वहाँ पे पहुँच रहा हूँ गाइस, यार उसने बोला है जंगल के एरिया में। अरे यार जंगल में तो कौन रहते हैं? अबे यार जंगल में तो भाई खूंखार जानवर रहते हैं। अरे यार क्या बात कर रहे हो, कार जानवरों के पास कैसी होगी? अबे मतलब कि जंगल में बंदे भी रहते हैं। अरे तो चलो वहाँ पे चलते हैं देखते हैं। अबे हाँ यार चलते हैं गाइस यार वहाँ पे एंड देखते हैं कि वहाँ पे बंदे भाई कैसे हैं, क्योंकि हम लोगों को कार चोरी करनी है तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। अरे हाँ रिस्क पे तो हम लोगों को कार मिल ही जाएगी। अबे हाँ यार, तो चलो गाइस यार फटाफट से पहले उस वाले लोकेशन पे हम लोग पहुँच जाते हैं एंड आप लोगों को बताते हैं कैसे क्या होता है वहाँ पे। अबे यार देखने में तो भाई साहब लग रहा था कि जंगल एरिया में, तो हम लोग शहर में आ गए। अरे हाँ यार इधर ही का लोकेशन है। अबे यार यहाँ पे तो बलास गैंग वाले रहते हैं, बहुत ही खतरनाक लोग हैं ये लोग। भाई देखो यार ये लोग भाई घूम रहे हैं ना चारों तरफ से। अरे हाँ हाँ वो तो हाथ में बियर का बोतल लिए हैं। अबे यार ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोग हैं, ये देख भाई साहब ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनका एरिया है भाई। इधर ही कार दिखाई दे रहा है, एक काम करते हैं कार को इधर ही लगाते हैं, ठीक है? अरे ठीक है फ्रेंकी भैया, चलो चलो अब कहाँ पे चलना है? अबे ज्यादा कुछ नहीं, एक काम कर तू भाई साहब इधर ही खड़ा रह, ठीक है? अरे ठीक है मैं कार में ही रहता हूँ ना। अबे हाँ यार तू कार में ही रह। तो गाइस यार इधर ही का लोकेशन मेरे को मिला है, इधर ही कहीं पे कार है वो, और भाई साहब बंदे भी काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं इधर। वैसे भाई साहब ये देखो ये बलास गैंग का मेंबर है भाई, इसके पास गन तो जल्दी मतलब जरूरी होगा। वैसे भाई मैं ऐसे नॉर्मल जाऊंगा तो किसी को क्या ही पता चलेगा कि मैं क्या करने आया हूँ, लेकिन भाई साहब बहुत ही खतरनाक वाला यहाँ पे सीन हो जाएगा अगर हम लोगों ने कुछ छेड़छाड़ किया तो। गाइस यार भाई साहब यार भाई कितने अबे ये रही कार भाई साहब, ओ भाई इसके पीछे एक और तगड़ी वाली कार है। वैसे गाइस यार ये वाली कार भी बहुत ही प्यारी लग रही है यार, लेकिन गाइस यार ये वाली कार नहीं चाहिए मेरे को, ये इंडियन कार सुजुकी स्विफ्ट चाहिए। बट यार अगर मैंने भाई इन पर अटैक किया, लेकिन भाई क्या ही कर सकते, एक बंदे को तो टपकाना पड़ेगा, पहले इसको मारता हूँ। अबे ये भाग रहा है, अबे नहीं नहीं भागना नहीं है। अबे यार इसको, अबे भाई ये लोग मेरे पर अटैक करने लगे। अरे फ्रेंकी भैया भागो भागो। अबे नहीं 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 ऐसे कैसे भाग जाऊँ, ऐसे कैसे भाग जाऊँ, मेरे को कार लेके भागनी है। गाइस यार ये लोग तो मेरे पे अटैक कर रहे। अबे ये डॉगी कहाँ से आ गया? अबे ये डॉगी मेरे पे अटैक करने आया था। वैसे अबे यार ये एक दो बंदों को क्यों छोड़ के जाऊँ, वैसे पूरा एरिया को साफ करके जाऊंगा। अबे यार ये तो बढ़ते जा रहे हैं भाई, ये तो बढ़ते जा रहे हैं। सिंचन तू किधर है? अरे यार मैं यहीं पे हूँ। अबे यार किधर कार लगाया था, ये कार लगाया, जल्दी आ जा, जल्दी कार के अंदर से उतर। अरे यार ये कार क्या होगी? अबे यार ये कार इधर ही रहेगी, तू उतर तो जल्दी। अरे हाँ फ्रेंकी भी आ रहा हूँ। अबे जल्दी आ जल्दी आ, इन लोगों ने भाई गोलियां बरसाना स्टार्ट कर दिया। अभी जल्दी से जल्दी बेनी के गैराज में चल जाते हैं और उसको ये वाली कार दे देते हैं। गाइस यार बेदको भाई उन लोगों ने कुछ बुलेट्स बरसाए हैं, बट यार भाई थोड़ी दिक्कत हो गई। अरे यार क्या हो गया? अबे यार उन लोगों ने बुलेट से भाई ये कार को थोड़ी सी दिक्कत में डाल दी, मतलब खराब कर दी है। वैसे मेरे को यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। अरे जल्दी चलो, ये देखो उनका ही एरिया है ये भी। अबे हाँ यार ये भी उन्हीं का एरिया है। गाइस यार चलते हैं फटाफट से बेनी के गैराज में और ये वाली कार उसको दे देते हैं। पहले तो इसको रिपेयर करनी पड़ेगी, थोड़ी सी भाई डैमेज हुई है क्योंकि उन लोगों ने भाई गोलियां बरसा दी थी, तो वो दिक्कत हो गई है। तो चलो गाइस यार फटाफट से हम लोग पहुंचते हैं पहले बेनी के गैराज में और उसको ये वाली कार दे देते हैं। भाई ये वाली कार ना छोटी बनाने में, मिनी कार बनाने में देखना बेनी पैसे ज्यादा मांगेगा। अरे क्यों पैसे ज्यादा मांगेगा? अबे यार इसका थोड़ा बोनेट वोनेट टूट गया है ना, इसलिए भाई सब उसने बुलेट मार दी ना, इसलिए भाई ये छोटी सी कार, भाई ये तो पहले से ही छोटी होती है, अब इसको छोटी बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो चलो गाइस यार चलते हैं बेनी के गैराज में, आ चुके हैं हम लोग और भाई बेनी से बात करते। अबे
यहाँ पे तो बेनी का भाई है जिसका हम लोगों ने बेइज्जती किया था सिंचन। अरे हाँ वही है वही है। अबे यार इससे बात करनी पड़ेगा, अबे गन दिखाऊंगा तो बेचारा डर जाएगा। वैसे हेलो भाई कैसे हो यार, तुमने तो डिलीवरी बॉय का काम कर दिया है ना, अभी मेरा एक और कार बनवाना है। भाई बेनी भाई को बुला लो, तुम्हारे बड़े भैया बेनी भैया कहाँ है मेरे को जल्दी बताओ, उनसे बहुत ही अर्जेंट काम है। अरे जाओ जाओ यहाँ से, ज्यादा बकैती मत करो मेरे सामने। अबे यार बता दे भाई तेरे बेनी भैया किधर है, उनसे एक छोटा सा काम है दोबारा से। अरे जाओ जाओ ऊपर है बेनी भैया, अभी शायद अपना काम वाम कर रहे होंगे। अबे ऊपर है, चलो भाई ऊपर है तो ठीक ही है यार, उससे जाके बात कर लेता हूँ। क्या बोल रहा है ये? अरे बेनी भाई क्या हालचाल है, सब बढ़िया है ना यार? तेरे से एक और अर्जेंट काम थी यार, तूने तो भाई क्या ही तगड़ी वाली कार बनवाई है। अरे फ्रैंकलिन क्या बात है यार, तुम नीचे आ रहे हो? अबे यार नीचे से मैं ऊपर आ रहा हूँ, वैसे मेरे को एक काम था भाई, मैंने एक और कार लाई है उसको भी मिनी बनाना है। अरे फ्रैंकलिन क्या बात कर रहे हो, एक और कार? अबे यार हाँ यार एक और कार लाया उसको मिनी बना दोगे? अरे यार इस बार तो पैसे ज्यादा लूंगा लेकिन, समझ लो। अबे ठीक है यार, जितना बोलेगा मैं उतना तेरे को देने के लिए रेडी हूँ, बट यार वो थोड़ी सी कार डैमेज हो गई, आके देख लेना भाई, थोड़ी सी डैमेज है, ज्यादा नहीं है, बस पैसे वैसे की टेंशन तू छोड़ देना, ये वाली कार रिपेयर कर दे भाई फटाफट से, वैसे तेरा भाई काफी बढ़िया है। चलो गाइस यार जल्दी आ जा, बेनी क्या कर रहा है नीचे आके देख ले यार। अरे ठीक है रुको रुको, फ्रैंकलिन पता नहीं है इतनी मिनी कार क्यों बनवाता है, वैसे मिनी कार काफी ज्यादा अच्छी लगती है मेरे को भी, मैं भी मिनी कार बना के बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। अरे यार ये वाली कार है सुजुकी स्विफ्ट, ये तो काफी अच्छी। अरे यार इस पे तो बुलेट्स पड़े हैं फ्रैंकलिन, यार ये तो थोड़ी सी डैमेज है। अरे फ्रैंकलिन ये तुमने कार कहाँ से लाई यार, मेरे को बताओ बताओ फ्रैंकलिन। अबे यार वो बलास गैंग के मेंबर के हाथ से भाई चोरी की है। अरे यार वो तो काफी खतरनाक लोग है, तुमने चोरी कैसे कर ली? अबे वो सब छोड़, ये जल्दी से जल्दी बना दे। अरे ठीक है यार मैं तो मिनी कार बना दूंगा इस सुजुकी स्विफ्ट का, प्यारी है, इसका कलर कैसा रखना है ये तो बता दो। अबे यार जैसे पिछली बार तूने रेड किया था अपने पसंद से, इस बार भी अपने पसंद से कोई प्यारी सी कलर इसके लिए सिलेक्ट कर लेना। अरे यार ऐसी बात है, ठीक है यार कुछ देर बाद यानी कि कल मैं तुमको अपने भाई को भेज दूंगा, ये वाली कार लेके तुमको डिलीवर कर देगा, उसके साथ अच्छे से पेश आना ठीक है, और मेरी कार आगे लगी है उसको लेके घर जा सकते हो तुम लोग। चलो गाइस यार ये मान गया है, और भाई सिंचन चल चलते हैं। अरे हाँ चलो चलो घर चलते हैं। अबे आजा। चलो गाइस यार भाई साहब अभी मैंने दे दिया है बेनी को इसको छोटा बनाने के लिए, मिनी कार बनाने के लिए, तो काफी तगड़ी वाली फील आएगी। अबे ये वाली कार है क्या बेनी की? वैसे ये काफी खतरनाक लग रही है यार, मेरे को काफी पसंद है ये वाली कार। चलो भाई इसी कार से चलते हैं सिंचन। अरे हाँ हाँ चलो चलो। अबे आजा गाइस यार ये वाली कार मेरे को काफी ज्यादा वैसे पसंद आई है, चल सिंचन आजा। अरे हाँ हाँ मैं बैठ रहा हूँ। अबे यार ये कार काफी बढ़िया भाई, चौप तो भाई देखभाल कर रहा होगा ना हमारी मिनी कार का, वरना फिर से बंदे आएंगे गुंडे और हमारी कार पे भाई साहब नजर लगा के चले जाएंगे, है ना भाई, चोरी वोरी कर लेंगे। वैसे चलो गाइस यार फटाफट से पहले घर पहुंचते हैं, एंड गाइस इस वीडियो के लाइक का टारगेट ज्यादा नहीं 1000 लगते हैं भाई, ठीक है? अरे 1000 तो हो ही जाएंगे यार देख लेना। अबे हाँ यार आप लोगों के सपोर्ट से तो 1000 लाइक हो ही जाएंगे, तो चलो गाइस यार फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। और गाइस यार घर जाने से पहले सब लोग इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, है ना सिंचन? अरे हाँ हाँ सारे लोग शेयर कर दो जिससे 1000 लाइक का टारगेट तुरंत के तुरंत पूरा हो जाए। अबे हाँ यार तो भाई 1000 लाइक का टारगेट है तो अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर करोगे तो फटाफट से। अबे यार ये लोग आगे से आ जाते हैं। अरे यार आप रॉन्ग साइड में जा रहे हो तो क्या होगा? अबे छोड़ वो सब, तो गाइस यार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, एंड भाई जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि अभी और भी खतरनाक खतरनाक मिनी कार हम लोग बनाने वाले हैं, आरसी मिनी कार, अभी तो भाई टाटा कंपनी की बाकी है ना सिंचन। अरे हाँ यार अभी तो बहुत सारे कार बाकी है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो सबसे पहले आपको वीडियो देखने को मिलने लगेगी। अबे हाँ यार तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दोगे तभी तो। अरे हाँ हाँ वो घंटा आता है उसको भी दबाना पड़ेगा तभी तो सब नोटिफिकेशन मिलेगी ना। अबे हाँ यार नोटिफिकेशन पाने के लिए वो भी करना पड़ेगा, तो चलो गाइस यार चलते हैं फटाफट से घर पे, एंड उसके बाद भाई वो मोटा आदमी आ जाएगा जो कि बेनी का भाई है, वो हम लोगों को डिलीवरी कर देगा मिनी सुजुकी स्विफ्ट। तो चलो भाई फटाफट से पहले घर पहुंचते हैं हम लोग। चलो यार सिंचन तब तक उसने पूरा काम निपटा दिया होगा। अरे फ्रैंकी भैया किसने? अबे यार चौप को मैंने एक काम दिया था ना। अरे हाँ हाँ सारे को ठिकाने लगाने के लिए ना। अबे हाँ यार सारे को ठिकाने लगाने के लिए, तो चलो गाइस यार फटाफट से चलते हैं आजा। भाई पूछते हैं कि भाई साहब वो उसने ठिकाने लगाए है कि नहीं। अरे हाँ फ्रैंकी भैया यार
चलो चलो फटाफट से। अबे यार चलते हैं गाइस यार फटाफट से। अभी भाई साहब उन लोगों ने मेरे पे अटैक किया था, मतलब कि हम लोगों पे अटैक किया था, सिंचन को बेहोश कर दिया था। एंड गाइस यार भाई कार चोरी करने आए थे, मिनी कार जो कि काफी ज्यादा महंगी होती है। तो चलो गाइस यार फटाफट से नीचे चलते हैं। एंड भाई चौप ने तो भाई काम तमाम कर दिया ना उनका। अबे हाँ यार घर की साफ सफाई भी कर दी है। अरे हाँ फ्रेंकी भैया पूरा साफ सफाई हो गया है घर का। अबे हाँ यार पूरा चकचक लग रहा है पूरा घर। क्या चौप सारा काम कर दिया? अरे हाँ रे कलुआ सब काम कर दिया है, और कोई काम बाकी है क्या? अबे भाई ऐसे क्यों बोल रहा है वैसे? अरे कलुआ ज्यादा बकैती मत कर, मेरे खाने का टाइम आ गया है, चल मेरे को खाना दे दे। अबे यार तेरे खाने का टाइम हो गया है, अब खाना भी देना है। वैसे तूने पूरे लाश को ठिकाने कहाँ पे लगाया है? अरे यार मैं तेरे को बता दूँ क्या? अबे हाँ यार जल्दी बता। अरे उस गैराज के पीछे। अबे गैराज के पीछे? भाई गैराज के पीछे भाई कहाँ पे लगाया है? कहीं पे भी तो नहीं दिख रहा है। अरे देखो देखो फ्रेंकी भैया मेरे को दिख रहा है। अबे मेरे को दिख ही नहीं रहा है। अरे फ्रेंकी भैया मैं आ रहा हूँ, रुको रुको। अबे यार तू उधर किधर जा रहा है? अरे यार आ रहा हूँ। अबे यार इसने लाश की यहाँ पे रखी। अबे ये रही भाई, मेरे को दिख गया सिंचन। अरे हाँ हाँ देखो देखो वही है ना। अबे यार देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 बंदे आए थे और उन लोगों ने गाइस यार अटैक किया था, सिंचन को बेहोश भी कर दिया था। तो गाइस यार काफी बड़ा वाला काम हो गया। वैसे जाने दो यार क्या ही कर सकते हैं। सिंचन कहाँ चला गया? अरे यार यहीं पे तो हूँ। अबे जल्दी आ जा गाइस यार। चलो यार कुछ देर वेट करते हैं, तब तक वो लोग आ भी जाएंगे। अरे यार आप आ गए? अबे यार मैंने देख लिया। और भाई और कुछ करना है? अरे नहीं नहीं चलो चलो अब चलते हैं। अबे कहाँ पे जाना है? अरे भाई कहीं पे भी तो नहीं जाना हम लोगों को अब भाई हम लोगों को वेट करना है कि भाई। अबे ये क्या कर रहा है? अबे यार चौप तूने इधर ही टट्टी कर दिया यार, यहाँ पे क्यों करता है भाई? वैसे भी पहले इधर भी तूने करके रखा है, इतना खाना दे दिया तूने, मैंने दिया तेरे को, और भी तू भी टट्टी कर रहा है। अरे कलुआ ज्यादा बकैती मत कर, तेरे कब से मैं कार की रखवाली कर रहा था। अबे यार कार की रखवाली तो तेरा काम ही था। चलो गाइस यार कुछ देर वेट करते हैं, तब तक वो आ भी जाएगा है ना सिंचन। तो गाइस यार क्या लगता है भाई कब वो लेके आएगा? वैसे हम लोगों के पास 4 मिनी कार हो गई है। चलो दोबारा दिखाता हूँ, एक भाई ये फ्रैंकलिन की ये वाली कार, दूसरी भी फ्रैंकलिन की, तीसरी भी फ्रैंकलिन की, चौथी भी फ्रैंकलिन की। अरे सिंचन की कोई नहीं क्या? अबे नहीं यार सब मतलब हम दोनों का मिल का है ना, सब बढ़िया है। ठीक है सिंचन, बहुत ही खतरनाक वाली सारे के सारे कार हैं भाई। वैसे सिंचन तेरी भी कार है, ऐसी नहीं है। अरे यार मेरी भी दे दो, 2 कार आप रख लो, 2 कार मेरे को दे दो भाई। ठीक है चल यार सब मिल के चलाएंगे। तो चलो गाइस, अबे बेल बजने लगा, बंदा आ गया लगता है, आ जा। अरे यार आ गया क्या? अबे हाँ यार सुजुकी स्विफ्ट लेके आया है गाइस यार, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो अबे ये टकला दोबारा से आया सिंचन, देख आ गया वो बंदा, बेनी का छोटा भाई। अरे फ्रेंकी भैया जाके पूछो क्या कर रहे है वो। अबे यार वो बंदा लेके आ गया है। वैसे हेलो भाई कैसे हो, सब बढ़िया है ना? अरे हाँ हाँ सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। फटाफट से बेनी भैया की कार दे दो मेरे को। अबे भाई तू कुछ खाए पिएगा क्या? चल तेरे को कुछ खाना पीना दे देते हैं ना। अरे नहीं नहीं मेरे को लेट हो रहा है, फटाफट से बेनी भैया की कार दो, मैं निकलूंगा इधर से। अबे यार कार चाहिए, वैसे इसमें भाई सुजुकी स्विफ्ट ही है ना? अरे हाँ खोल के देख लो, वही है, ज्यादा बकैती मत करो, मेरी कार दे दो पहले। अबे यार ये ले भाई सामने उधर देख खड़ी है, ये तेरी यही वाली कार है ना, ले जा भाई फटाफट से, जा जा पीछे खड़ी है, ज्यादा बकैती मत करो ठीक है। अरे हाँ ज्यादा बकैती मैं नहीं करता, ये छोटा बच्चा करता है ठीक है, मैं इसको बहुत मार मारूंगा अगर दोबारा इसने मेरी बेइज्जती की तो। जा रहा हूँ, बेनी भैया को दोबारा से बोलूंगा, तुम लोग मेरे को अच्छे से बात नहीं करते हो। कोई बात नहीं, बेनी भैया है ना तुम लोगों की वट लगा डालेंगे। चलो मैं फटाफट से घर जा रहा हूँ, बेनी भैया की ये कार है, यानी मेरी भी कार है ना, लेकिन बेनी भैया मेरे को स्टाफ के लिए रखे है, डिलीवरी बॉय का काम कराते हैं यार। अरे यार उस टकले ने मेरे को गिरा दिया। अरे कहाँ गया? अरे फ्रेंकी भैया उसको रोको, उसने मेरी बेइज्जती कर दी। अरे यार मैं गिर गया, वो साला टकला इस बार आएगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। यार फ्रेंकी भैया भी नहीं कुछ नहीं बोला, उसको जाने दिया ऐसे। अरे यार फ्रेंकी भैया आपने उसको जाने क्यों दिया यार? उसको पकड़ के मारना चाहिए था, उसने देखा मेरे को कैसे लात मार के गिरा दिया। फ्रेंकी भैया यार कुछ बोलते क्यों नहीं हो आप? अबे भाई हम लोग उससे लड़ नहीं सकते ना। अरे यार क्यों नहीं लड़ सकते? अबे यार वो बेनी का भाई है, अगर हम लोग उससे लड़ लेंगे तो भाई दोबारा से वो हमारी मिनी कार नहीं बनाएगा, और भाई साहब हम लोगों को अपने व्यूअर्स को क्या दिखाएंगे। अरे यार ये तो सही बात है यार। अबे हाँ यार अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए भी तो कार चाहिए ना, जिससे भाई मिनी कार आज बना के लाया सुजुकी
सुजुकी स्विफ्ट। तो चल फटाफट से इसको ओपन करते हैं एंड देखते हैं गाइस यार कैसा सुजुकी स्विफ्ट है। वैसे तो भाई कलर मेरे को नहीं पता, आप लोगों को भी नहीं पता। चलो गाइस यार इसको ओपन करते हैं एंड देखते हैं कि मिनी सुजुकी स्विफ्ट कैसी आई है। ओ तेरी सिंचन क्या खतरनाक बनाया है इस बार भाई साहब। दो कलर का कॉम्बिनेशन देख के पहली कार बनाई है, पीली कलर की है स्विफ्ट और मेरा नाम लिखा है। रुको मैं आप लोगों को गाइस दिखाता हूँ, इस बार वो भूला नहीं है मेरा नाम लिखने के लिए। ये देखो फ्रैंकलिन उसने लिख भी दिया है एंड गाइस देख रहा है सिंचन। अरे यार बहुत ही खतरनाक। गाइस यार इंटीरियर दिखाता हूँ आप लोगों को, रुको। ये देखो भाई अंदर का इंटीरियर आप लोग देखो, सेम टू सेम भाई वैसा ही बनाया है। वैसे धुंधला दिखाई दे रहा है बट कोई नहीं, अगर आप कार के अंदर बैठोगे तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। वैसे भाई सिंचन देख रहा है सबसे परफेक्ट यही कार बनी है भाई, इसके व्हील वगैरह भी सेम भाई, क्या खतरनाक बनाया है ना। अरे यार अब चला के भी तो देख लो। अबे यार ऐसी कार रोड पे जाएगी ना तो बंदे भाई देख के पागल हो जाएंगे और इसके पीछे भागने लगेंगे इस वाले कार को लेने के लिए। वैसे गाइस यार ये खतरनाक बन गई है, इसी बात पे लाइक कर देना, 1000 लाइक का टारगेट है तो उसको कंप्लीट कराना है। वैसे चलो गाइस यार अपने फोन से ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं एंड गाइस यार इसको चलाते हैं। भाई सिंचन ये तो कनेक्ट हो गई है। अरे यार मैं बैठ जाऊँ क्या? अबे नहीं नहीं बैठेगा क्यों, ऐसे ही चलाने दे भाई साहब। क्या खतरनाक चल रही है सिंचन। अरे यार इसको रोड पे ले जाना। अबे ये डगमगा क्यों रही है वैसे भाई, देख रहा है वैसे भाई, देख ऐसे ऐसे हो रही है। अरे यार पता नहीं क्यों। अबे यार ये ऐसे क्यों चल रही है, बट यार बहुत ही परफेक्ट बनी है। ओ भाई साहब क्या खतरनाक चल रही है। गाइस यार ये वाली कार अगर रोड पे गई तो बंदे भाई खुश हो जाएंगे देख के। अरे चलो चलो मेन रोड पे ले चलो। अबे हाँ यार बोलेरो की तरह रोड पे ले जाके बंदों को डराएंगे। वैसे भाई साहब बंदे डरेंगे या इसको लेके घर भागने की ट्राई करेंगे। गाइस यार भाई चलो चलते हैं, वैसे यहाँ पे मैडम वगैरह है तो चलो भाई साहब इसको ऊपर ले जाके इनसे भाई देखते हैं इनका रिएक्शन क्या होता है। अबे यार ये लोग तो अब भाग ही नहीं रहे। अरे भाग तो रहे हैं। अबे कहाँ भाग रहे? अरे यार ये तो बहुत ही प्यारी कार लग रही है, चोरी कर लो क्या? अबे भाई ये तो चोरी करने की बात कर रहे हैं, भाग सिंचन वरना इसको उठा के ले लोग चले जाएंगे। अरे हाँ यार ये तो बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। अबे यार अब बंदे इससे डर नहीं रहे, इससे भाई चोरी करने की बात कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे भी बंदे हैं यार, क्या करे? अरे यार इनके पास ले जाओ तो। अबे इनके पास ले जाओ? ये ले भैया कुछ नहीं बोल रहे। वैसे अबे ये क्यों आ रहा है आगे? अबे ये जा रहा है शायद भाई, लेकिन ये नहीं बोल रहा है दूसरा कोई। अबे ये तो आ रहा है। अरे फ्रैंकी भैया भागो। अबे भाई ये तो हमारे पीछे पीछे आ रहा है। अबे भाई ये क्या कर रहा है भाई, ये तो पीछे पीछे आ रहा है सिंचन। अरे यार ये तो उठाना चाह रहा है ये वाली कार को। अबे यार मेरे को भी लग रहा है ये वाली कार वो उसको पसंद आ गई है, वो देख पीछे पीछे आ रहा है। वैसे गाइस यार ये देखो, अबे ये तो दौड़ के आ रहा है सिंचन। अरे यार वो देखो दौड़ के आ रहा है, भागो। अबे यार वो देखो गाइस यार इसको पसंद आ गई ये वाली कार, अभी वो भाई छीनने की कोशिश करेगा, मतलब लेने की कोशिश कर रहा है। वैसे मेरे को भाई जाना पड़ेगा यहाँ से, भागना पड़ेगा भाई। बंदों को कार ये पसंद आ रही है भाई, मेरे को इतनी पसंद आई तो दूसरे बंदों को क्यों नहीं पसंद आएगी। वैसे और बंदे हैं क्या, दूसरे पे भी ट्राई करते हैं। वैसे गाइस यार और बंदे दिखाई नहीं दे रहे। वैसे गाइस यार मैं तो आ गया हूँ इधर मार्केट में, बट अबे यहाँ पे बंदे आ रहे हैं यार, देख रहा है सिंचन? अरे हाँ आ तो रहे हैं। अबे ये बंदा क्यों आ रहा है? अरे मेरे को क्या पता। अबे यार इसको भी पसंद आ गई क्या? अरे मेरे को भी लग रहा है। अबे यार अब हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा वरना गाइस यार 2-3 बंदे उठा के मेरे को घर ले जाएंगे, मतलब इस वाले कार को ही घर लेके चले जाएंगे, है ना। इसलिए भाई इसको घर बुला लेते हैं, है ना सिंचन भाई। क्या प्यारी लग रही है गाइस यार, अब तक की सबसे बेस्ट कार ये मिनी कार बेनी ने बनाई है, मिनी RC स्विफ्ट गाइस यार, सुजुकी स्विफ्ट है। आप लोगों को गाइस यार ये वाली सुजुकी स्विफ्ट कैसी लगी आप लोग बताना, इसी बात पे 1000 लाइक तो कंप्लीट आप लोग करा ही दोगे, मेरे को भी पता है आप लोगों को भी पता है। वैसे भाई ये सबसे परफेक्ट कार बनी है ना। अरे हाँ सबसे बिंदास कार। अबे यार अब इसको रखेंगे कहाँ भाई, इतना कार हो गया, पांचवा कार हो गया ना ये। अरे हाँ हाँ चलो चलो अभी देखते हैं इसको, तो पहले घर लेके आओ। अबे हाँ यार भाई क्या परफेक्ट कार बनी है, इसको भाई RC कार बोलते हैं। आप लोग भाई कमेंट किया था कि सुजुकी स्विफ्ट बनाओ, अब आप लोग बताना भाई साहब कौन सी कार बनानी चाहिए। वैसे अरे यार देखो बहुत बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। अबे यार आ गई कार, देखो गाइस यार फाइनली आ चुकी है सिंचन। अरे हाँ देखो आ गई आ गई। अबे यार इसको घर पे भी रखना है ना भाई, इसको भी भाई देखो मेरे को ही डरा रहा है ये। चलो गाइस यार इसको धीरे धीरे करके घर के अंदर ले जाते हैं वैसे, और ये परफेक्ट तरीके से उतर रही है भाई, क्या मस्त चल रही है, मक्खन की तरह ये वाली कार है भाई, देख रहा है भाई बहुत ही परफेक्टली उतार दिया मैंने इसको नीचे। अरे हाँ अब इसको लगाओगे कहाँ? अबे यार एरिया तो पूरा फुल ही हो गया है वैसे,
वैसे मैं एक काम कर रहा हूँ ना, इधर ही लगा देता हूँ भाई। भाई लेकिन यार चॉप मेरे पे गुस्सा करेगा, उसके घर के चारों तरफ कार ही कार मैंने लगा दिए। वैसे ठीक भी है यार, चॉप भाई इसका देखभाल भी करेगा। गाइजर देख सकते हो क्या परफेक्ट लग रही है। चल भाई लगा दिया मैंने नीचे, आ जा। गाइजर फाइनली लगा दिया है। अरे यार ये तो मेरी ही कार होगी। अबे यार सबकी सब अपनी अपनी कार है। गाइजर ये देखो, ये सबसे प्यारी लग रही है। अभी मेरे पास चार कार है, एक देखो ये महिंद्रा की स्कॉर्पियो, महिंद्रा थार, महिंद्रा की ये बोलेरो, और ये टोयोटा फॉर्च्यूनर, और सुजुकी स्विफ्ट भी आ गई, ये पांचवी कार है। अभी और भी कार आ सकती है, इधर हम लोग लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। वैसे हम लोगों ने सोच रखा है एक गैराज ही बना दे बढ़िया सा। भाई सुन रहा है? अरे यार कैसा गैराज, गैराज बनाओगे कहाँ? अबे यार गैराज वैसे बनाएंगे कहाँ हम लोग भाई, रास्ता भी नहीं है यार। मैं सोच रहा हूँ ना इधर कहीं एक गैराज बनाऊंगा, लेकिन यार भाई गैराज बनाएंगे कहाँ भाई, छत पे बना सकते हैं, ऐसा कोई रास्ता तो है नहीं। वैसे गाइस यार आप लोग बताना कि गैराज कहाँ बनाना चाहिए। इस वीडियो के लाइक का टारगेट तो आपको पता है 1000 है। सबसे परफेक्ट वाली कौन सी कार आपको लगी भाई, आप लोग बताना। स्कॉर्पियो वाली कार लगी, बोलेरो लगी, या थार लगी, या फॉर्चूनर लगी, या सुजुकी स्विफ्ट लगी, तो आप लोग बता देना। वैसे भाई मेरे को तो सुजुकी स्विफ्ट लगी अब तक की बेस्ट कार। चलो गाइस यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले एपिसोड में, देखते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में कौन सी मिनी कार आती है। तब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना है, एंड भाई कमेंट में बता देना है कि कौन सी आनी चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो आपको भी करना चाहिए, अपने 5 या 10 दोस्तों के साथ शेयर भी करना चाहिए एक बंदे को। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में।